Welcome back to my channel. In today's video, I am going to show you how I created this orangish smoky eye. And yes, मैंने इसमें ऑरेंज आई शेडो का यूज़ करा है. सो यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आईब्रोज की जो लाइंस हैं उन्हें ड्रॉ करना प्रेफर करती हूँ. यहाँ पे मैंने यूज़ करा है डार्क कॉन्टोर शेड. तो आप कोई भी कॉन्टोर स्टिक या कॉन्टोर शेड यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ करा है, कॉन्टोर के लिए जो कंसीलर होता है डार्क शेड, मैंने वो यूज़ करा है. एंड क्यूटिप की हेल्प से मैंने इसे रिमूव कर लिया है जहाँ पर भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था. एंड आईब्रोज़ के एंड्स को डिफाइन करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, ताकि हल्का सा यू नो एंड पे जाते हुए जो आईब्रोज होती है मोस्टली वो आपकी डार्क लगती हैं. तो मैंने उसे ही रेप्लिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे उसी तरह से सेम वे में डार्क आई शेडो अप्लाई करा है. सो कंसीलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए. एंड ये कंसीलर ब्रश जो है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये मैंने अमेजोन से परचेज करा है. दिस इज़ द ड्यूप ऑफ रियल टेक्निक ब्रश एंड ये अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं. ये सेम जो सेट था उसके साथ ही मुझे मिला था ये फ्लैट फाउंडेशन जो ब्रश है, इसके हेल्प से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आईब्रोज़ के ऊपर वाले जो पार्ट है मैं उसमें थोड़ा सा डार्क यू नो फाउंडेशन यूज़ करा है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. मोस्टली जो हमें वर्क करना है वो नीचे करना है, बट स्टिल वो थोड़ा सा टुगेदर लगे सारे लुक के साथ, वो बिल्कुल अलग से एकदम कलर ना लगे, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर भी अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आईब्रोज स्ट्रोक अप्लाई करी है. यहाँ पे मैंने यूज़ करा है ब्राउन आई लाइनर. और यहाँ पे मैंने छोटा अलग से ब्रश यूज़ करा है, बिकॉज पिछली बार जो मैंने ब्रश यूज़ करा था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा था. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइंड ब्रश यूज़ करा है, पतला आई लाइनर. यहाँ पे मैंने अगेन रफ़ लाइन ड्रॉ करी है अपनी आई शेडो अप्लाई करने से पहले. सो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना एंड एक आउटर सी आप अप्लाई करना है, ऐसे सी शेप बनानी है आपको. सेम उसी वे में मैं यहाँ पे आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में करा था. आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके अंदर वाली जो शेप है उसमें आपको डार्क शेड्स फिल करने हैं. नाउ मूव ऑन टू हमारा मेन शेड. यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ एक्वा आई शेडो. तो ये वाटर एक्टिवेटेड आई शेडो है जो आप आईलाइनर की तरह भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज जो शेड है जो आप दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में जो दिख रहा है वही मैंने यूज़ करा है अपनी आई लुक को पैक करने के लिए. जो भी आपके जो भी डार्क शेड मैंने अप्लाई करे हैं उनको पैक करने के लिए मैंने ऑरेंज बर्न्ड ऑरेंज जो शेड है उसे यूज़ करा है. यहाँ पे मैंने कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ कर ली है, तो मैं अच्छे से कट क्रीज को जो है वो अच्छा सा एक डिफाइंड लुक दूंगी. वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रखा है तो आप बहुत ही आराम से हल्का हल्के से कंसीलर अप्लाई करना, अदरवाइज़ पूरा मेकअप रून हो जाता है एंड मेन जो मेहनत होती है ना आपकी पूरी ख़राब हो जाती है स्टार्टिंग से, आपको करना पड़ता है. तो यहाँ पे कट क्रीज एरिया में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने वही सेम अपना जो ब्रश है वो फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, उसकी हेल्प से मैंने कंसीलर की जो भी हार्श लाइन थी उसे डिफ्यूज़ करा है. यहाँ पे मैंने डार्क शेड अप्लाई करे हैं राउंड शेप का जो आई शेडो ब्रश होता है उससे. एंड सेम वे में जिस तरीके से आप कट क्रीज बनाने से पहले आई शेडो अप्लाई करते हैं ना, उसी वे में डार्क शेड, फिर थोड़े थोड़े लाइट शेड एंड जो आपका मेन शेड है ऑरेंज शेड उसको इनर कॉर्नर की तरफ आपको अप्लाई करना है. यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करा है. दिस इज़ शैम्पेन शेड एंड ये जो शेड है ये मैंने स्क्रीन पे शो करा था, तो आप वीडियो पॉज करके बैकवर्ड जाके आप इसे देख लेना. आई डोंट रिमेंबर द शेड एंड अगर मेरा हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेंशन कर दूँगी प्रोडक्ट लिस्ट, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. एंड अप्लाई करने के बाद मैंने इसको साइड से डिफ्यूज़ कर लिया है एंड अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ब्लैक आई शेडोज जो आउटर वीज जो होती हैं मैंने वहाँ करा है.
नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं था, तो इस तरीके से इन आईलाइनर को यूज़ करना है, पानी डालना है एंड ये एक्टिवेट हो जाएंगे बिकॉज दिस इज़ वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर। मैंने एग्जैक्टली उसी ब्रश का यूज़ कराया आईलाइनर के लिए जो मैंने आईब्रो स्ट्रोक के लिए मैंने यूज़ करा था, एंड यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं, सेम एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो की तरह ही मैंने यहाँ पे छोटा सा विंग क्रिएट करा है। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड यस, लोअर लैशेस के लिए, लोअर लैश लाइन जो हमारी होती है उसमें आई शेडो रहती है, तो मैं उसी को रेप्लिकेट करते हुए सेम ऑरेंज एंड ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे। एंड आईब्रो स्ट्रोक के लिए मेरे पास एग्जैक्टली कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आप इसी तरीके से आईलैशेज स्ट्रोक्स बना सकते हैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आईलैशेज ड्रॉ करने के बाद सेम मूव ऑन टू नोज, तो नोज़ की जो हार्श लाइन है जो भी है मैंने उन्हें डिफ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे नोज़ शेप ड्रॉ कर ली थी। इस बार मैंने जो नोज़ की शेप है वो मेस्ड अप कर दी थी, सम हाउ मैंने मेंटेन करा कि हाँ मैं पूरा लुक उसको सेटल रखने की कोशिश करूँ, ऑल दो मेरे से नोज़ इस बार गड़बड़ा गई थी। बट यस, मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं इसे अपलोड करूँगी, बट यस वी डू मेक मिस्टेक्स एंड आपके साथ भी मिस्टेक हो सकती है, तो मैं ये इसीलिए ही मैंने ये लुक शेयर करा है कि सबका लुक कहीं ना कहीं इतना परफेक्ट नहीं होता, मेरा भी काफ़ी लोग हैं जिनको खामियां नज़र आएंगी, बट इट्स ओके, हमें मूव ऑन करना चाहिए, अपनी गलतियों के साथ भी हमें मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, ये लुक अच्छा नहीं है, नेक्स्ट अच्छा होगा, ठीक है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके आपको एक दिन अच्छे अच्छे आपको क्लाइंट भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको यू नो आपको आप कितना भी कर लेंगे उनको कभी भी नहीं पसंद आएगा, ठीक है, बट हमें इसी के साथ ही चलना होता है। एंड यस, दिस इज़ ऑल आई हैव। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आप रिक्रिएट करें तो आप शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब शेयर करती हूँ आपका रिक्रिएट करा हुआ लुक अपनी स्टोरी पे। एंड आप चाहें तो जो भी मेरे रिक्रिएटेड लुक हैं, जो भी मेरी छोटी छोटी ब्यूटीज़ ने शेयर करे हैं मेरे साथ, मैंने स्टोरी पे भी रखा है, अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से रिक्रिएट करते हैं। आई नो चैनल बहुत छोटा है बट आप बहुत बड़े हो, एंड यस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, आपका छोटे छोटे प्रोडक्ट से कब शिफ्ट कर लोगे बड़े प्रोडक्ट पे आपको खुद नहीं पता चलेगा। सो या दैट इज़ इट, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।